हमारे सारे वीडियोस के अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है कविता और स्वागत है आपका टॉक्स एंड मॉम्स में। आप सबको नए साल की मुबारक और मैं आशा करती हूँ कि ये साल आपको बहुत सारी खुशियाँ लाए। और चलिए क्विकली देखते हैं हमारा आज का रेसिपी च्यवनप्राश। इसे बहुत सारे आयुर्वेदिक के हर्ब्स यूज़ करके बनाया जाता है, पर आज मैं किचन में जो लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जो आसानी से आपके किचन में मिल जाते हैं, उसे यूज़ करके बनाने का मेथड सिखा रही हूँ। तो इसे कैसे लिया जाए और किनको दिया जा सकता है और इसके बेनिफिट्स के डिटेल मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए अभी पहले हम रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर पैन में हम आंवला या गूसबेरी जिसे धो के रखा है उसे डालेंगे। बाद में इसमें पानी, सिर्फ आंवला को डिप होने तक डालना है, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, एक या डेढ़ कप तक का पानी डाल रही हूँ। बाद में इसे हम 2 सीटियों तक प्रेशर कुक करेंगे। दो सीटी के बाद इसे साइड में रख दीजिएगा ठंडा होने तक। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आंवला बहुत अच्छी तरह से पक गया है। 2 सीटियों से ज़्यादा अगर इसे प्रेशर कुक कर देंगे तो ये बहुत पानी इसके अंदर चला जाएगा और वो अच्छा नहीं रहेगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा इस च्यवनप्राश का। तो इसीलिए बिना पानी के इसे अच्छी तरह निकाल लीजिएगा और ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। बाद में हम स्पाइस मिक्सचर बनाएंगे, मसाला पाउडर जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला है उसका लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, देखिएगा उसे। काली मिर्च गई इसमें, सूखा हुआ अदरक और नटमेग और सौंफ और तेज पत्ता, सिर्फ एक पत्ता डाला है मैंने, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये इलायची और थोड़े केसर, इन सबको डाल के इसका एक पाउडर बना लीजिएगा। ये पाउडर ऐसे दिखेगा आपको, इसे साइड में रख लीजिएगा। बाद में एक और स्पाइस जार में आप नट्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, काजू बादाम और पिस्ता, इसका भी हम पाउडर बना लेते हैं। थोड़ा पेस्ट जैसे बन जाता है क्योंकि ये तेल छोड़ता है, पर ओके है क्योंकि बाद में हमें इसे पकाना है तो ये ठीक है। आप इसे भी ऐसे पाउडर की तरह रफली बना के साइड में रख लीजिएगा। अब तक हमारा आंवला ठंडा हो चुका है तो अब हमें इसे कट करके इसके जो बीज हैं वो निकाल लेते हैं और एक ब्लेंडर जार में इसे हम डाल लेते हैं ऐसे। सब आंवला से बीज निकालने के बाद उसके साथ सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हम इसका पेस्ट बना सकें, वरना मिक्सर जार में ये घूमेगा नहीं और पेस्ट नहीं बन पाएगा। तो जार में इसे ब्लेंड करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा आंवला पेस्ट रेडी हो चुका है, अभी इसे साइड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे खजूर का पेस्ट, ये ऑप्शनल है, आप अगर खजूर यूज़ नहीं करना चाहते तो गुड़ को डबल क्वांटिटी में डाल लीजिएगा। ये मैंने काट के थोड़ा गर्म पानी में तकरीबन 5-10 मिनट भिगो के रखा था ताकि ये आसान हो जाए पेस्ट बनाने में। तो 1-2 चम्मच पानी डाला मैंने इसके साथ, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और ये खजूर का पेस्ट या डेज प्यूरी अभी तैयार हो रहा है, इसे भी हम रेडी होने के बाद साइड में रख लेंगे और इकट्ठे सब डालेंगे जब हम च्यवनप्राश का फाइनल स्टेप फॉलो करेंगे। तो अभी एक बर्तन में आप घी डाल लीजिएगा, जैसे पहले बताया मेजरमेंट नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देखना मत भूलिएगा। उसके बाद ये आंवला का पेस्ट, इसे घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा।
आपको इसे धीमे आंच में पकाना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ खजूर का पेस्ट। जैसे पहले बताया था, आप खजूर नहीं पसंद करते, बच्चे उसका टेस्ट पसंद नहीं करते, तो गुड़ को डबल द क्वांटिटी डाल लीजिएगा। इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है तब तक जब तक ये शाइनी टेक्सचर ना हो जाए। आप तकरीबन 3 से 5 मिनट आपको इसे ऐसे ही मिक्स करना पड़ेगा जब तक आपको ये ऐसे करेक्टली ना दिखे, वरना आंवला का जो खट्टापन होता है वो बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो बाद में जाएगा इसमें गुड़ जो मैंने रेडी करके रखा है, और ये स्पाइस मिक्सचर या मसाला पाउडर जो फ्रेशली हमने बनाया था, और उसके साथ नट्स पाउडर। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप स्किप कर सकते हैं, पर घर में जब बनाते हैं तो जो भी अच्छा है वो डाल के हम पका सकते हैं, तो वही है एडवांटेज कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं कोई भी रेसिपी को। तो ये च्यवनप्राश का ये फाइनल स्टेप है, आपको बिना हाथ छोड़े इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना है। 5 से 10 मिनट तक लगेंगे। अगर आपका पेस्ट बहुत पतला लिया था आपने, पानी ज़्यादा डाल के बनाया था, तो 15 मिनट भी लग सकता है। तो अच्छी तरह से इसे ऐसे ही मिक्स करते रहिएगा, और 10-15 मिनट के बाद आपको ये दिखेगा ऐसे। तभी आपको इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है स्टोव में से निकाल के, और ठंडे होने के बाद देख सकते हैं कि ये बहुत गाढ़ा ऐसे दिखेगा। च्यवनप्राश की अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो हमारा च्यवनप्राश रेडी है, घर में बनाना आसान है, तो ज़रूर बनाइएगा। आशा है कि आपको पसंद आई ये रेसिपी, घर में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि विंटर सर्दियों के मौसम में ये रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है, और इसीलिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है। हर दिन ये देना ज़रूरी माना जाता है, बहुत सारे घरों में इसे दिया भी जाता है, तो बेहतर है क्योंकि हम इसे घर में ही बना रहे हैं और मसाला एडजस्ट कर सकते हैं, स्वीट एडजस्ट कर सकते हैं आपके बच्चों के लाइकिंग के अनुसार, है ना। तो इसे बनाइएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी। दिन में 1 स्पून काफ़ी है बच्चे के लिए, आप चाहे तो 2 दे सकते हैं, पर उससे ज़्यादा मत कीजिएगा। तो आपके जैसे बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पे हम इस चैनल में बहुत सारे बेबी फूड बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को उपयुक्त आहार की रेसिपीज दिखा रहे हैं। तो अगले रेसिपी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, और फिर से नए साल की मुबारक।